ओके सो हेलो गाइस, आज से हम सीखेंगे सी लैंग्वेज। तो सी लैंग्वेज को स्टार्ट करने से पहले एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि किसी भी लैंग्वेज को कंपाइल करने के लिए या फिर उसे रन करने के लिए, उसे उसका सॉफ्टवेयर बनाने के लिए हमें एक एडिटर चाहिए होता है। ऑलराइट, और हम इस वीडियो में सी लैंग्वेज को कंपाइल करने के लिए यूज़ करेंगे डेव C++ नाम का एक एडिटर जो हमें ऑनलाइन डाउनलोड करना है। और एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो हमारी सी लैंग्वेज है वो कंपाइल टाइप लैंग्वेज है। इसका मतलब जो भी प्रोग्राम हम उसमें लिखेंगे वो कंपाइल होगा, यानी कि वो कन्वर्ट होगा बाइनरीज में, और वो बाइनरीज फिर सिस्टम पे जाके रन करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम ब्राउज़र में चलते हैं और उस डेव C++ एक कंपाइलर है उसको हम डाउनलोड करते हैं। तो हम यहाँ पर जाएंगे, टाइप करेंगे डेव C++ डाउनलोड फॉर विंडोज़। ओके, सो आप अगर विंडोज़ 7 और 10 के बीच में कोई भी अगर यूज़ कर रहे हैं तो आपको यहाँ पे जाना है सिंपली। इसकी लिंक मैं आपको दे दूँगा sourcepop.net, और यहाँ पे आपको डाउनलोड पे क्लिक करना है। इसके बाद आपका जो डाउनलोड है वो स्टार्ट हो जाएगा। ऑलराइट, गेट डाउनलोड होने के बाद आपको इसका सिंपल इंस्टॉल कर लेना है। और इसका बहुत ज़्यादा सिंपल इंस्टॉलेशन है, सिर्फ आपको नेक्स्ट 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 क्लिक करना है और ऑटोमेटिकली वो इंस्टॉल हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है कि आप कोई बड़ा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे हैं लाइक विजुअल स्टूडियो और एंड्रॉयड स्टूडियो, ऐसा कुछ नहीं है। तो अब ये लॉन्च हो रहा है, ऐसे मिनिमाइज कर देता हूँ। बहुत ज़्यादा इजी इंस्टॉलेशन है गाइस, आप इसे चुटकियों में इंस्टॉल कर सकते हैं। ओके पे क्लिक करना है, आई एग्री, नेक्स्ट, इंस्टॉल, एंड दैट्स इट। हो गया आपका इंस्टॉलेशन स्टार्ट। ऑटोमेटिकली इसका जो पैकेज मैनेजर है वो उसे इंस्टॉल करना स्टार्ट कर देता है। और इंस्टॉल करते समय आपको मैं दिखाना चाहता हूँ कि देखिए यहाँ पे आपको कुछ पाई दिख रहा होगा, .py फाइल एक्सटेंशन। इसका मतलब ये जो डेव C++ ID है ये किससे बनी हुई है, पाइथन से। ओके, और इसको जो कंपाइलर है उसका जो बेस है वो सी लैंग्वेज से बना है। यहाँ पे असेंबली ए हेडर फाइल्स ही आपको दिख रही होंगी, यहाँ पे देखिए .h फाइल। तो इसका मतलब एक कंपाइलर बहुत सारे लैंग्वेज से बना होता है, उसमें पाइथन होती है, सी लैंग्वेज होती है, C++ होती है, टेक्स्ट फाइल होती है, असेंबली लैंग्वेज होती है, बाइंडर होता है, हेडर्स फाइल होती है। ओके, तो इन सभी चीज़ों से कंपाइलर बनता है। तो ये मैं आपको एडवांस नॉलेज दे रहा हूँ क्योंकि ये तो हमारे सी लैंग्वेज के कोर्स में नहीं है, लेकिन फिर भी आपके काम में आएगा। एंड फिनिश। तो मैं यहाँ पे थीम रेड वाली, सॉरी, लैंग्वेज इंग्लिश, और जो हमारा फॉन्ट है वो कॉन्सोलस रहने देता हूँ। कलर जो है वो वाइट ही रख देता हूँ क्योंकि वाइट से क्या होगा, आपको समझने में, आपको देखने में वहाँ पे आसानी होगी। क्योंकि अगर मैं यहाँ पे ब्लैक करूँगा तो आपको कुछ भी नहीं दिखाई देगा। देखिए अब मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए अब मैं ब्लैक करूँगा तो आपको कुछ भी उसमें दिखाई नहीं देगा अच्छी तरह से, लेकिन मैं अब वाइट करता हूँ तो आपको वो दिखाई देगा। ऑलराइट, और मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ और ओके, एंड दैट्स इट। आपका जो डेव C++ कंपाइलर है वो आपके विंडोज़ में इंस्टॉल हो चुका है। ओके, सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।